नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको टाइम टेबल बनाना अच्छा लगता है? क्या आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं? अपने बहुत सारे लोगों का आंसर होगा यस, कुछ का आंसर नो भी होगा। दोस्तों, मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे खुद भी टाइम टेबल बनाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता हूँ, और ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है। मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया था अपने पूरे स्कूल में ही, लोगों से पूछ पूछ कर, और मैंने खुद, चूंकि जब मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो सबका दिनचर्या भी देखते रहता हूँ, तो लगभग 90% ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने जो स्टडी टेबल उसके पास में टाइम टेबल चिपकाए रहते हैं और फॉलो कितने कर पाते हैं, 5 से 10% लोग। उसमें ऐसा क्यों होता है, और क्या ये ज़रूरी है कि हमें टाइम टेबल ही फॉलो करना चाहिए? हम रैंडमली कोई वर्क नहीं कर सकते? तो देखिए दोस्तों, टाइम टेबल फॉलो करना बहुत अच्छी बात है अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं और उसको 1 महीने से अधिक समय तक लगातार फॉलो कर पा रहे, फिर आप कुछ है आप में। क्योंकि बहुत से लोग देखा है, मैं खुद भी टाइम टेबल बनाता हूँ उसको 10 से 15 दिन तक फॉलो नहीं हो पाता, या तो कोई फैमिली में कोई वर्क आ जाता है, कोई काम करने चले जाते हैं, या फिर कोई मन नहीं लगा, फोन आ गया, कहीं जाना पड़ गया, तो इसी कारण फॉलो नहीं हो पाता। अगर एक दिन टाइम टेबल आपका गड़बड़ हुआ तो फिर वहाँ से गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो क्या ये जरूरी है कि टाइम टेबल ही फॉलो किया जाए, रैंडमली कोई वर्क नहीं हो सकता? देखिए दोस्तों, कि टाइम टेबल फॉलो करने से जो है धीरे धीरे चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती है, आपकी आदत में चल जाती है, और सबसे बड़ी बात, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है वो आपको पता ही है, आपने वो वीडियो देख ही लिया होगा, उस पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड का पावर लगने लगता है, उस पर काम होने लगता है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो फॉलो नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है। आप टाइम टेबल इसलिए बनाते हैं कि जो भी आपका इम्पोर्टेंट काम है वो शेड्यूल वाइज पूरा हो जाए। वहाँ तक मुझे साइंस का 2 चैप्टर पढ़ना है, मैथ का 1 है, हिंदी का 2 है, 1 इंग्लिश का है, इतने सारे मुझे कवर करने हैं। तो ज़रूरी नहीं भी नहीं है कि मेरे लिए कि टाइम टेबल से मैं चलूँ, मैं ये भी बना सकता हूँ कि आज मेरे लिए इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है। तो आप ये ज़रूर बना सकते हैं कि आज, यानी हर रोज़ का ये बनाइए कि आज मेरा इम्पोर्टेंट वर्क क्या है। पहला था मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, फिर इम्पोर्टेंट वर्क, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जो लिस्ट बनाता हूँ उसमें आता है इम्पोर्टेंट वर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, उसके बाद में मैं वर्क लिख लेता हूँ कि आज मुझे ये करना है, वो ऐसे ही रहता है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो पहला प्रहर है उसमें मैं पूरा कर दूँ, यानी सबसे पहले मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क का जो कैटेगरी है उसमें का वर्क पूरा करता हूँ, कि आज मुझे साइंस का 1 चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर मुझे मैथ का 1 चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है, तो वो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क में आता है, तो मैं पहले उसको कवर करता हूँ। फिर उसके बाद में कुछ आता है इम्पोर्टेंट वर्क कि मुझे ये 2-3 काम करने हैं, तब मैं वो करता हूँ, उसके बाद में जो अपना काम है वो कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं टाइम टेबल ना फॉलो करके भी मैं अपना काम को अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप 3 लिस्ट बनाइए, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट जो भी है, और उसके हिसाब से फॉलो कीजिए। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं कि आप टाइम टेबल ही फॉलो करें, आपका काम बस ये होना चाहिए कि आपका जो ज़रूरी काम है, जो इम्पोर्टेंट वर्क है, वो समय पर हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले ही वीडियो में एक ऐसे न्यू टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।